अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। जिस वक्त कोरोना के चलते देश व दुनिया की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो गई है, देश में पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके चलते महंगाई बढ़ गई है और आम आदमी के सामने त्राहिमाम कहने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। गंभीर बात यह भी है कि ईंधन के दाम में यह लगातार 16वीं वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज 33 पैसे व डीजल के भाव में 58 पैसे का इजाफा हो गया। जिस तरह से डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, उसने पेट्रोल व डीजल के बीच के अंतर को भी लगभग खत्म कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने PM को हाल ही में लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे देश के लिए यह फैसला असंवेदनशील है। मार्च से शुरू हुए इस कठिन समय के बीच सरकार ने पूरी तरह से एक असंवेदनशील निर्णय लेते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार को 2.6 लाख करोड़ रुपए कमाने के लिए पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की किसी ने गलत सलाह दी है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। इस बीच सोशल मीडिया पर लगातार पेट्रोल डीजल दाम में हो रहे इजाफे पर केंद्र की भाजपा सरकार को बराबर घेरा जा रहा है। इन दिनों एकाएक ही सोशल मीडिया पर वो वीडियो छा गए हैं जिसमें भाजपा नेताओं ने विपक्ष में रहते हुए पेट्रोल डीजल वृद्धि पर तत्कालीन सरकार के कामकाज पर सवाल निशान लगाए थे। इसमें रुपये का डॉलर के मुकाबले लगातार गिरना व पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा भी शामिल है। आइए देखते हैं पहले वह वीडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। आश्वासन दिया था कि इससे महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम। स्वामी, ये जो टैक्स की आप बातें कर रहे हैं ना, वन टैक्स लगेगा, उससे डीजल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा है कि स्वामी जी को कोई ये कहे ये आयुर्वेद की दवाइयां बनाना, योग सिखाना, ये ठीक काम है, ये गलत चक्कर में पड़ गए, अर्थशास्त्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ठेकेदारी ले रखी है। ये मतलब कुछ लोगों ने सोच रखा भाई हमारे क्षेत्र में कोई दूसरा बात ही नहीं करेगा, एकाधिकार बना रखा। उन्होंने कहा अगर ठेकेदार बने हुए, अगर ऐसी कुछ लोग धर्म के क्षेत्र में ठेकेदार बने हुए, कुछ लोग राजनीति के क्षेत्र में ठेकेदार बने हुए, कुछ लोग आर्थिक विषयों में ठेकेदार बने हुए, जो मैं बात कह रहा हूं वो लॉजिकली, साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली एकदम फिट है। यदि मैं कहीं गुनहगार हूं तो आप मुझसे प्रश्न पूछिए। उन्होंने कहा कि अगर ये वन टैक्स का फॉर्मूला लागू कर दिया तो देश पुरानी वैदिक व्यवस्था में चला जाएगा, प्राचीन काल में चला जाएगा। अच्छा, हिंदुस्तान ऋषियों का देश बने ये इनको मंजूर नहीं, राक्षसों का देश बनाना है इसको। 18वीं शताब्दी तक, रजत जी वैदिक काल की तो बात छोड़िए, 18वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया के इतिहासविद इस बात को कहते हैं भारत की करीब 25% विश्व की अर्थव्यवस्था में भागीदारी थी, 25-30% हमारा एक्सपोर्ट था। अरे पुराने जमाने की बात छोड़ो, 1978 के मेरे पास में डेटा है, जो है उस समय चीन की और भारत की GDP दोनों की बराबर बराबर थी, करीब 13 लाख करोड़ रुपए की, और दोनों का एक्सपोर्ट करीब करीब बराबर था। आज चीन पहुंच गया 150 लाख करोड़ से ज्यादा और हम 20 लाख करोड़ भी नहीं पहुंचे। आज हिंदुस्तान को गर्त में डाल दिया, जो मैं काम कह रहा हूं उसको कर लीजिए, हिंदुस्तान चीन और अमेरिका से भी आगे होगा। अब मैं आपके उस फॉर्मूले की बात करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि हर बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगेगा, एक ही टैक्स होगा, न सेल्स टैक्स होगा, न एक्साइज होगा,
सारे टैक्स खत्म, एक बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स होगा, वो भी जो रिसीव करेगा उसके ऊपर होगा, टर्नओवर पर नहीं होगा। अब इसमें एक खास बात मैं बताना चाहता हूं भैया, पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है, अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पर सब बच्चे पढ़े हुए हैं। और मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा, भारत के भविष्य का निर्णय हो रहा है और उसमें 60% से जवान है, आज आपने आपकी अदालत में जवानों को बुला करके भी बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं रजत जी, अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे। आप ऐसा करते हमारे रजत जी को आज की अदालत चलाने देते हैं, गवर्नमेंट अपन बनाते हैं। और अच्छा अगली बात सुनो स्वामी जी, ये जो आप सुनो, ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अब ये अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हमने पढ़ रखा, रजत जी एक बार सुनो, देखो ये जो अर्थशास्त्री है ना, ये देश का व्यापार नहीं चलाते, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये वाशिंगटन कॉन्सेंसस की, ये सेंसेक्स और एफडीआई की गुलामी कर सकते हैं। याद रखो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिस्ट नहीं चलाते, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस देश के 125 करोड़ लोग चलाते हैं, ये लोग नीतियां बनाने के लिए चलते हैं। स्वामी जी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था देश का गरीब मजदूर किसान कारीगर इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ, वो देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है, और हम उसमें कोई सुझाव दे रहे हैं तो हमको जो है पुराने जमाने का आदिवासी बता दिया। ये कोई मैं ये बात भी कोई, अरे हम इसलिए कि शायद आपकी आपकी जानकारी नहीं है। अच्छा हमारी कौन सी जानकारी नहीं, आप बताओ, मैं हर एक जान उत्तर देता हूं। आप कह रहे हैं कि टैक्स लगेगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, लेकिन आप यदि आज हार गए ना तो अगली बार मैं उधर होऊंगा और आप इधर बैठेंगे। आप सवाल हार जीत का नहीं है, मेरा तो काम है सवाल पूछना, और कठिन सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर होगा, इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट ही नहीं है। 60 करोड़ लोगों के पास में, अरे सुनो ताली बजाने से पहले बोलो, 60 करोड़ लोगों के पास में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं है, बैंक ट्रांजैक्शन कहां तक करेंगे? जिनके पास में पैसा ही नहीं है उनका ट्रांजेक्शन कहां से करवाओगे? मैं कहता हूं उनके पास में भी पैसा आ जाएगा और 5 साल में उनके खाते भी खुलवा देंगे और पैसे से भरवा देंगे। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं? इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। बताया जाता है कि इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। हालांकि कई मर्तबा क्रूड की कीमत में खासी कमी भी हुई, लेकिन देश के ग्राहकों का इसका कोई लाभ नहीं मिला। मौजूदा समय में देश में पेट्रोल डीजल पर टैक्स 59% हो गया है, जो विश्व में सबसे अधिक है। पिछले साल तक भारत में पेट्रोल डीजल पर 50% तक टैक्स था। बात अगर विकसित अर्थव्यवस्था की करें तो अमेरिका में कुल कीमत का 19%, जापान में 47%, यूके में 62% और फ्रांस में 63% टैक्स है। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।